अब देखिए इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स है। इंपॉर्टेंट फीचर्स में ये दैट वैल्यू शुड बी वन, शुड बी वन, ये वन ही रखना चाहिए इस जगह। और इसके लिए पॉइंट क्या है, दिस न्यूमेरिकली शुड बी लेस देन वन, ये वैल्यू न्यूमेरिकली लेस देन वन होनी चाहिए, ठीक है। तीसरी बात इंपॉर्टेंट, ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने बता दिए आपको कि ये यहाँ पे वन रखते हुए, बोले वन नहीं होगा तो क्या करेंगे, वन नहीं है तो उसको ओपन करके आप बाहर निकाल दीजिए, राइट। और फाइनली क्या करेंगे, जो जब आप ओपन करके बाहर निकाल देंगे तो यहाँ वन छोड़ना है, उस तरह से उसको कॉमन वगैरह निकाल के यहाँ पे वन ही कर देना है। इस जगह जो वैल्यू छूटनी चाहिए एक्स वाली जगह, वो न्यूमेरिकली लेस देन वन होना चाहिए। सो एक्स शुड बी, इसको देखिए वैसा बोलता है, एक्स शुड बी न्यूमेरिकली लेस देन वन, लेस देन वन, ये लेस देन वन होना चाहिए। ऐसा क्यों किया कि यहाँ पे एल्जेब्रिक वैल्यू उसकी हो सकती है कि और कुछ माइनस भी लगा हो उसमें, तो इसीलिए उसने मॉड ले लिया है और उसकी वैल्यू को -1 से 1 के बीच में हम ले सकते हैं, ठीक है ना। और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, इन द एक्सपेंशन देर आर इनफाइनाइट टर्म्स, इसमें इनफाइनाइट टर्म्स इसमें ओपन अप होती है, ये सीरीज इनफाइनाइट तक चलती है, ये पूरी टोटल सीरीज इनफाइनाइट तक चलेगी इस तरह से। और एक लास्ट पॉइंट जो मैं यहीं पे बता चुका हूँ उसको, लेकिन यहाँ बोर्ड पे भी लिख देते हैं, बोर्ड पे लिख देने से आपको क्लियर हो जाता है कि हाँ ये बात हमने डिस्कस किया है। देखिए एनसीआर कैन नॉट बी यूज्ड एज जनरल फॉर्म, एनसीआर को उसके जनरल फॉर्म में यूज नहीं किया जा सकता, माना एनसीआर वाले फॉर्म में यूज नहीं किया जा सकता। तो पूछेंगे कि किस तरह यूज किया जा सकता है, मतलब उसको ओपन करके, जैसा कि हमने इसको ओपन में लिखा है, ठीक है। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट ले लेंगे कि अगर मान लीजिए कोई भी बाइनोमियल थ्योर, बाइनोमियल एक्सपेंशन है जो कि इस फॉर्म में नहीं दिया हुआ है, किस तरह से, जैसा मैंने बताया कि 1+x की पावर n के फॉर्म में नहीं दिया हुआ है, और वो हमारे पुराने जो जनरल फॉर्म है दैट इज x+y की पावर n के फॉर्म में दिया हुआ है, तो हम उसको किस तरह से वर्कआउट करेंगे, ठीक है। सो देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ x+y^n है तो इसमें एक काम करेंगे कि इसमें x अगर कॉमन निकाल लेंगे, x^n 1+y^x^n, इसको हम ओपन करेंगे, इफ x x बाहर निकाला हमने जनरल में, समझने के लिए उसको 1+x^n में x बोला, लेकिन x और y वेरिएबल तो एक ही जैसे हैं, ठीक है ना। तो जो बाइनोमियल एक्सपेंशन होता है, कोई जरूरी नहीं कि आप हम जो x बोल रहे हैं x को ही x समझें, y भी वैसा ही वेरिएबल है, y भी वैसा ही वेरिएबल है जैसा x है, दोनों एक ही टाइप के हैं, लेकिन हमें क्या करना है, उसको जनरल फॉर्मेट 1+x की पावर n है, मतलब x की जगह आप x मत समझिए, उस जगह समझिए कोई वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल हो सकता है और उसकी पावर n है, तो उस पे वर्क करना है। अगर मान लीजिए इसमें x बड़ा है y से, अब मैंने आपको बताया कि न्यूमेरिकली यहाँ पे जो वैल्यू होती है दैट शुड बी लेस देन वन, अगर x बड़ा है तो उसको हम बाहर निकाल देंगे, इफ मॉड x इज ग्रेटर देन मॉड y, अगर देखिए ये वैल्यू न्यूमेरिकली इससे बड़ी है, x इज ग्रेटर देन न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द मॉड x इज ग्रेटर देन न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ y, देन यू कैन टेक आउट द मॉड x आउटसाइड, जिससे कि जो y बाई एक्स वैल्यू है ये न्यूमेरिकली लेस देन वन हो जाए और इसको हम ओपन कर सकें, ठीक है ना। और दूसरा पॉइंट, इसको y^n, मतलब y कब बाहर निकालोगे, जब y बड़ा हो x से,
जब वाई बड़ा होगा एक्स से, तो वो यदि वो इसके नीचे आएगा, एक्स के नीचे, तो वो जो वैल्यू बनाएगा वो न्यूमेरिकली लेस देन वन होगी। वो आप इस तरह से करेंगे, इसमें आएगा वाई निकाल लिया बाहर, वन प्लस एक्स अपॉन वाई टू द पावर, एंड इफ दिस मॉड वाई इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ एक्स, मीन्स न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ वाई इज ग्रेटर देन न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एक्स। यहाँ पे इस बात को ऐसे समझना है, क्योंकि और दूसरी वैल्यू भी दूसरे तरह से कुछ हो सकता है रिजल्ट। तो जब हम कोई रिजल्ट इस तरह से एक्स प्लस वाई के फॉर्म में दिया हुआ हो, पावर एन दी हुई हो, हमें ओपन करना है, तो हम पहले क्या करेंगे, हम पहले वो नंबर बाहर निकाल लेंगे। मेरा एक सिंपली एक पॉइंट बोल सकता हूँ, कौन इसमें फंडा ये याद रखना है कि बड़ा बाहर, एक्स बड़ा बाहर बोलेंगे, बड़ा बाहर मीन्स कि एक्स और वाई में से जो बड़ा नंबर है उसको बाहर करना, ठीक है ना। सो बड़ा बाहर मीन्स एक्स और वाई में से बड़ी वैल्यू बाहर हो जाएगी, बाहर करेंगे, मतलब बाहर करेंगे बड़ा वैल्यू, तो डेफिनेटली जो बड़ी वाली वैल्यू वो डिनोमिनेटर में आएगी, और डिनोमिनेटर में आएगी एक्स वाली वैल्यू ऊपर छोटी होगी, नीचे जो भी होगी न्यूमिनेटर में जो वैल्यू होगी और डिनोमिनेटर वाली वैल्यू बड़ी होगी, तो ओवरऑल उसको न्यूमेरिकली लेस देन वन बनाएगी। यही हमारा एम है।